सोयाबीन हब के रूप में मशहूर वाशी जिले में बारिश की वापसी से सोयाबीन की फसल काफी प्रभावित हो चुकी है। जिले में जहां हर तरफ सोयाबीन की कटाई ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं दशहरे की रात को हुई बारिश ने सोयाबीन की फसल को झकझोर करके रख दिया है। बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। इस साल जिले में सोयाबीन बुआई के बाद 2-2.5 महीने लगातार बारिश हो रही थी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जहां खरीफ की महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन बर्बाद होने की कगार पर थी। आपको बता दें कि सोयाबीन की कटाई का सीजन पिछले एक सप्ताह से जोरों पर है। दशहरे से पहले कई लोगों की सोयाबीन निकाली की गई। आधे से अधिक किसानों ने सोयाबीन की कटाई कर ली है, लेकिन बुधवार रात अचानक फिर बारिश शुरू हुई और लगातार हो रही बारिश से कटी हुई सोयाबीन को काफी नुकसान देखने को मिला। दशहरे की शाम को जिले भर में भारी बारिश ने दस्तक दी। कई गांव बारिश की चपेट में आ गए। नदियों और नालों में भी पानी भर गया। दूसरे दिन भी बारिश के कारण कृषि कार्य ठप रहा। जिले में चल रहा सोयाबीन कटाई का मौसम प्रभावित हुआ है और अब सभी काम रुक चुका है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि वाशी जिले से सोयाबीन की फसल काफी प्रभावित होती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।